गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक जो हम कल चैप्टर सेकंड कर रहे थे, भारतीय संविधान में अधिकारों की हमने कल डिस्कस किया था, उनकी इम्पोर्टेंस को हमने समझा था और बिल ऑफ राइट्स को भी हमने यहाँ पर कल स्टडी किया था। तो आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं, आज हम अपने फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत करेंगे। यहाँ से अपने मौलिक अधिकारों के बारे में शुरू करने वाले हैं। तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 3 में, पार्ट 3 में और आर्टिकल नंबर 12-35 में हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट में सबसे पहले हमारा जो अधिकार है वो किसका अधिकार है? समानता का अधिकार है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट फंडामेंटल राइट डाउन कीजिए। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। फर्स्ट आपका कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14-18 एक्सप्लेन किया गया है, मतलब आपको समानता का अधिकार जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन सभी आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे, 14 आर्टिकल को, 15, देन आफ्टर 16, 17 और 18 आर्टिकल को। उससे पहले आपको यहाँ पर एक स्टोरी जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। ये स्टोरी जो आपके सामने है ये काल्पनिक है, लेकिन ऐसी जो स्टोरी होती है, ऐसी जो कहानियाँ होती हैं, वो हमारे दिन प्रतिदिन की लाइफ में कहीं ना कहीं घटित होती रहती हैं। तो एक सच्चाई से ही जुड़ी आप इसे एक काल्पनिक कहानी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टोरी क्या है। जैसे कि एक आदमी है, वो अपने गांव में गया है, साथ में उसके साथ उसका दोस्त भी गया है और वो दोनों एक उनके गांव का जो ढाबा वगैरह होता है उस पे जाते हैं चाय के लिए। तो जो आदमी उस गांव से बिलोंग करता था, उसके कास्ट के बारे में, वो जो वहाँ पर ढाबे के जो ऑनर थे, जो उनको सर्व कर रहे थे टी, तो उनको इस बात का पता था कि ये किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। फिर उन्होंने बातों ही बातों में ये जानना चाहा कि जो उनका मित्र है वो कौन से कास्ट से बिलोंग करता है। तो उनको जब पता चला उनकी कास्ट के बारे में, उनकी जाति के बारे में, तो उन्होंने उस व्यक्ति को जो उस विलेज से बिलोंग करता था उसको एक बड़े ही सुंदर कप में, एक प्याले में चाय जो थी वो उनको दी, लेकिन उनके दोस्त जो थे उनको मिट्टी के प्याले में जो है वो चाय दी गई। उसका रीज़न क्या था कि जो उनका दोस्त था वो एक दलित समुदाय, दलित वर्ग से बिलोंग करता था, ठीक है, इसीलिए उसको मिट्टी के प्याले में चाय दी गई थी। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से भेदभाव किया गया है। इन्हीं चीज़ों से संबंधित आज हम अपने समता के अधिकार को पढ़ने वाले हैं जो हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 14-18 यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। क्या एक्सप्लेन किया गया है? कि समानता का अधिकार आप लोगों को है, इक्वलिटी ऑफ राइट, राइट टू इक्वलिटी आपको यहाँ पर राइट दिया गया है। तो इसके हम फर्स्ट पार्ट के बारे में देखते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का जो वर्णन है वो अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है? 15 अनुच्छेद में बताया गया है। उसके बाद हम यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखे इसे इक्वेलिटी बिफोर लो। देखिए कानून के समक्ष सभी व्यक्ति जो हैं वो समान होते हैं, चाहे कोई किसी भी पोस्ट पर कार्यरत है,
या कोई किसी पोस्ट पर काम नहीं कर रहा है, मतलब एक आम सिटीजन की भी यदि मैं बात करती हूँ तो भी दोनों के दोनों, एक ऊंचे ओहदे पर है और एक आम आदमी है, तो दोनों के दोनों कानून के समक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। किसी के भी साथ किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड राइट की बात करते हैं, जो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज आर्टिकल 15। After that, we talk about the next right, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। लिखिए यहां पर प्रोहिबिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, या बर्थ प्लेस, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बिहाफ ऑफ your religion, your caste, your gender, या you can say that on the place of birth, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, सबको बराबर का अधिकार है। जैसे कि आपने पुराने समय में या किसी स्पेसिफिक जगह में जो आज भी पिछड़ी हुई जगह है वहाँ पर आप इन चीज़ों को आज भी देख सकते हैं। जैसे पहले के टाइम का यदि हम एग्जाम्पल देखें तो कुछ कम्युनिटीज होती थी, कुछ ग्रुप होते थे जिनको एक कुएं के ऊपर पानी भरने से भी मना कर दिया जाता था। या हम अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मेल और फीमेल, दीज आर टू डिफरेंट जेंडर, तो एक हमारी जो इंडिया है वो क्या है, मेल डोमिनेंट, पुरुष प्रधान हमारा भारत देश है। लेकिन पहले ऐसे होता था कि एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है उसमें सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति किसको दी गई थी, मेल पर्सन को दी गई थी। वो गुरुकुल में जाकर स्टडी करते थे, एजुकेशन लेते थे, बट फीमेल कैंडिडेट के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो ऐसे ही चीज़ों को आप क्या कह सकते हैं कि उस समय पे डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। ये हमारी सोसाइटी के जनरल एग्जाम्पल हैं जो हम डे टू डे अपनी लाइफ में देखते रहते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये कौन से आर्टिकल में एक्सप्लेन की गई है, दिस इज एक्सप्लेन इन द 16 आर्टिकल 16 अनुच्छेद में ये बताया गया है। 16 आर्टिकल 16 अनुच्छेद, इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, आफ्टर दैट थर्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की अवसर में समानता, कौन से आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है? इन आर्टिकल सॉरी ये यहां पर 14 आर्टिकल आएगा, 14, एंड दिस इज एक्सप्लेन इन आर्टिकल नंबर 15।
ये 16 आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। 16 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें ये बताया गया है। देखिए रोजगार के अवसर में समानता का क्या अर्थ है यहाँ पर, कि जो भी जैसे हमारी सेंट्रल जॉब की बात करें या स्टेट जॉब की बात करें, तो यहाँ पर रिजर्वेशन हो सकता है जो हमारे स्टेट का या सेंटर का डिसीजन होता है, जो बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट में, लेकिन यहाँ पर बराबर का अधिकार होगा उस जॉब के लिए, उस रोजगार के लिए अप्लाई करने के लिए। सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट के पास ही वो अपॉर्चुनिटी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हम फोर्थ की बात करते हैं, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदी में बोलेंगे छुआछूत का अंत। कौन से आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है, आर्टिकल नंबर 17 अनुच्छेद में जो है ये बताया गया है। देखिए जो पहले का समय था, आज के टाइम पे मोस्टली पार्ट मीन्स हम एक ऐसे पार्ट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे अनटचेबिलिटी जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, लेकिन आज भी हम कुछ बैकवर्ड रीजन की बात करते हैं। बैकवर्ड रीजन इन द सेंस आप यूपी या बिहार का कुछ स्टेट है, उनका कुछ प्लेस है जिनका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ भी आज भी अनटचेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है। अनटचेबिलिटी होती क्या है, लाइक किसी स्पेसिफिक समूह को नीचा मान लिया जाता है और अपने आप को सर्वोपरि कंसीडर करना, और फिर उसके बिहाफ पे उसके जो मतलब इंटरेक्शन होता है उसके बिहाफ पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, ये सारा का सारा किसमें कंसीडर किया जाता है, छुआछूत में। एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था यहाँ पर, कि जैसे मैंने कुएं का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था कि कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को वहां से पानी भरने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक कि ये स्थिति होती है कि जो उस कम्युनिटी के लोग होते हैं, अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी मीन्स पानी की जगह जो है वो भी डिवाइड कर दी जाती है, लाइक एज विलेजेस का आप जनरली इस चीज में एग्जाम्पल उठा सकते हैं। ऐसी स्थिति सामान्यतः आपको गाँव के अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है। कौन से गाँव के अंदर, जो पिछड़े हुए गाँव है वहां पर आप ऐसी स्थिति को देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट वन इज अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उपाधियों का अंत। इट इज एक्सप्लेन इन आर्टिकल नंबर 18। 18 आर्टिकल में ये वर्णन किया गया है, 18 अनुच्छेद में। देखिए अबोलिशन ऑफ टाइटल का अर्थ यहां पर क्या है, जैसे आप गांव में या किसी भी जगह पे अपने नियर बाय जो आपके नेबर्स वगैरह हैं वहां से आप देख सकते हैं। जो मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ अपनी लोकल लैंग्वेज में, जनरली जो हम अपनी सोसाइटी में यूज करते हैं, लाइक एस कोई कैंडिडेट मेल कैंडिडेट डॉक्टर है, तो हम सामान्यतः क्या करते हैं उसके वाइफ को क्या बोलते हैं, डॉक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही टीचर की वाइफ को भी हम टीचर ना होते हुए भी उसको टीचर ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे मास्टर मास्टर नहीं बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारी लाइफ की, हमारी सोसाइटी में हम जनरल एग्जांपल देखते हैं, बट जब तक आप उस चीज की डिग्री नहीं ले लेते हैं तब तक उस टाइटल का यूज करना आपके लिए क्या होता है, इलीगल होता है। लाइक एज आप कोई सोशल मीडिया यूज करते हैं, उस सोशल मीडिया पर आप अपने नाम के आगे कोई टाइटल लगा देते हैं और आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या वो अथॉरिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति क्या होती है, इलीगल होती है। ये क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर कंसीडर किया जाता है, इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। ये आप इसे क्या कहेंगे, एक आपराधिक जो कार्य है वो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा, जब तक
जैसे किसी दूसरा कोई दूसरी कंट्री है वो आपको कोई टाइटल देना चाहती है, मीन्स आपने कुछ अच्छा वर्क किया है, कार्य किया है और वो कंट्री आपको कोई टाइटल देना चाहती है, तो वो टाइटल भी आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपकी इंडिया की गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है। अदरवाइज आप उस टाइटल को भी, मतलब उस उपाधि का प्रयोग भी जो है वो अपने नाम के साथ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने कितने आर्टिकल के बारे में स्टडी किया है? ओनली 5 आर्टिकल्स के बारे में, 14 to 18 के बारे में। एंड दिस इज योर फर्स्ट फंडामेंटल राइट विच इज राइट टू इक्वलिटी, जो क्या है? समानता का अधिकार है। तो बच्चे आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? क्वेश्चन एक शॉर्ट नोट यदि आपको फंडामेंटल राइट्स लिखने के लिए बोला जाए तो उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट टू इक्वलिटी आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो उसके 5 पार्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे कोई ऑब्जेक्टिव पेपर है, लाइक एज आप अपने बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में जो आपके पेपर में 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वहां पर भी उनसे आपको आर्टिकल देकर और पूछा जा सकता है कि इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में, इसका वर्णन जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल का नाम आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ऐसे ही इसी क्वेश्चन को यदि हम रिवर्स कर दें तो आर्टिकल 14 देकर या आर्टिकल 18 देकर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आर्टिकल 18 के अंदर कौन सा पार्ट सम्मिलित है। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 18 में अबोलिशन ऑफ टाइटल सम्मिलित किया गया है, ठीक है? तो आप इसे नोट डाउन करें।